हजरत, कैसे हैं सब जी? ओके बट जी, वेलकम टू सुपर ओवर। के भी आपको मालूम है मैं स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन हूँ। मी टू बट जी, आई लव स्पोर्ट्स। आपको पता है मैं सोचता था कि मैं अगर क्रिकेटर होता तो कैसा होता। बट जी, आप और क्रिकेटर? नो वे। क्यों? Because अगर आप क्रिकेटर होते तो इंजी का रन आउट रिकॉर्ड आप ही तोड़ते। ऐसी भी कोई बात नहीं। बट जी, इन रगों में दौड़ते हुए तैमूरी खून की कसम, अगर इन कंधों पर सल्तनत की जिम्मेदारियां ना होती तो आज हम भी क्रिकेटर होते और दुनिया हमें प्यार से लाला कहती। थोड़ा दिनों हजरत, हमारे आज के पहले मेहमान, इनके बारे में मैं क्या कहूं? आपने पटियाला घराना का तो सुना है, क्रिकेट की दुनिया में इनका खानदान वाकई ही क्रिकेट का पटियाला घराना है। हादी नौजाद, नॉट ओनली ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स ऑफ पाकिस्तान, बल्कि ही इज वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कैच इस तरह पकड़ते हैं जिवें जुगत फड़ी है, और अगर आप गौर से देखें तो इनके अंदर का जोश और जज्बा आपको शो में नजर आने वाला है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक बादशाह सलामत, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, चेयर छोटी तो नहीं? नाली बाउंसर। बट जी, आपने वो फिल्म तो देखी होगी, एक खिलाड़ी एक हसीना। खिलाड़ी तो आ गए लेकिन हसीना अभी तक नहीं आई। अरे भाई, अभी कामी भाई आए हैं, अभी पिक्चर बाकी है। खातिन आजाद हमारी आज की दूसरी मेहमान, इनके बारे में मैं क्या कहूं? फैशन, टेलीविजन, थिएटर, फिल्म, शी हैज डन इट ऑल। आती हैं तो पूरा सेट खिल उठता है। प्लीज वेलकम वन ऑफ द जॉलीएस्ट एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, आपकी तालियों में निर्मल। आइए आइए। हेलो एवरीवन। अरे भाई, मुझे याद आया कि अक्सर क्रिकेटर्स जो होते हैं वो क्रिकेट के बाद, स्पेशली जैसे मोहसिन भाई, उन्होंने एक्टिंग की, मुदस्सर भाई, उन्होंने गुलुकारी की, और अपने शोएब भाई, वो तो सब कुछ ही करते। इस तरह अगर आपके ऊपर कोई सिचुएशन है कि अगर आपको कोई और निर्मा को लेके कोई गाना पिक्चराइज हो तो कौन सा गाना आपके माइंड में आता है? कौन सा गाना माइंड में आता है? बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से। कभी ऐसा कोई ऐसा सिचुएशन? आप बताएं ना आप। भाई मुझे तो ये पता है कि इनका आजकल फेवरेट गाना है सिन्योरिटा। एम आई राइट? या यू आर। जी जी बिल्कुल। तो अगर सिन्योरिटा पिक्चराइज हो तो आप पैड और बैट पहन के उसको पिक्चराइज करेंगे या वैसे ही? नहीं, मैं तो वैसे ही आ जाऊंगा। सिन्योरिटा इज अ रोमांटिक सॉन्ग, उसमें बैट और बॉल कहां से आया? व्हाई नॉट? He's a cricketer. I want bat and ball over there. तो कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। नहीं, ऐसी ग्राउंड नहीं बनाया, टॉक शो बनाया। कोई बात नहीं, मुझे खेलना है। तो खेलना? ओके, ले आओ जी गुल्ली डंडा। नहीं, क्रिकेट एंड बॉल। नहीं जी, बैट एंड बॉल ना ये। ये पी। ओके। ये आपका बैट। एंड बॉल विल बी कामरा। कामरा, यू गोना मेक मी हिट सम सिक्स, प्लीज। क्या आप और मेरे क्रिकेट के रूल्स हैं? क्या आप मेरी क्रिकेट के रूल्स हैं? मुझे कोई लाइट टूटी तो पैसे नहीं देंगी ये। आपके क्या रूल्स हैं बताएं? मेरे रूल्स ये है कि जब तक मैं ना चाहूँ मैं आउट नहीं होती, मैं खुद छोड़ती हूँ। और सेकंडली सिक्सर जो मैं बोलूंगी वो सिक्सर है, जो मैं बोलूंगी वो फोर रन्स है। अच्छा, अगर नो बॉल होगी फिर? नो बॉल मैं मानती नहीं। आई जी खेलते हैं डैडी क्रिकेट। आई आई ओके, वो हमारी विकेटें बनी हुई हैं, वो तीन विकेटें हैं, जाए मां जाके खड़ी हो जाए। अच्छा जी, रेडी? आप इधर आए कामरान भाई। खवातीन और हजरात, आज कामरान अकमल निर्मा को वैसे ही बॉल्स कराएंगे जैसे खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब को ठंडे ठंडे बॉल्स कराएंगे। I am the empire. Oh, साड़ा विकेट कीपर है, ऐ साड़ा थर्ड एम्पायर है। ओके, रेडी सर? चले, सिक्स बॉल्स गो।
निर्मा के लिए तालियां। इससे पहले कि आप बल्ले के साथ और कुछ करें, ये बल्ला हटा देते हैं। नहीं, मैं आपको मारती नहीं इस बैट से। चलो जी, वेट नाइस साहब, ये भी पकड़े, दोबारा ना बैटिंग शुरू हो जाए। हमारे हमसाये मुल्क का एक बड़ा ट्रेंड है कि हमारे बॉयज, क्रिकेट बॉयज के ऊपर अक्सर बहुत से फीमेल फैंस आती हैं, तो कभी वहां से कोई टाकरा हुआ? कोई बहुत बड़ी फीमेल फैन आपकी फॉलोअर बनी? अहमद भाई क्या मैं बोलूं, बस यंग एज में शादी हो गई थी। लेकिन अहमद भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हम पाकिस्तानियों को वहाँ प्यार बहुत मिला और सपोर्ट बड़ी मिली। जब भी गए हैं 2011 में, जो लास्ट, उस वक्त आपको पता कि इंडिया पाकिस्तान के हालात वर्ल्ड कप में क्या थे, बिल्कुल, लेकिन बड़ी सपोर्ट मिली। अवाम चाहती है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ पे आए खेले और उनकी IPL में भी खेले, लेकिन आपको पता है कि किस वजह से नहीं खेल रहे। लेकिन जब भी गए हैं मोहब्बत खूब मिली है। नहीं जी, अल्लाह जरूर आपकी दुआएं पूरी करे, क्यों नहीं जी। असी कुड़ियां शहर दिया दुबई आईया पैरा विच पाके लचियां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खन्नान फन्नान बिन अरफान बिन कप्तान। असल च तुसी समझ नहीं बट साहब, शेख खन्नान बिन सुल्तान बिन नुमान बिन कप्तान तुहानू सलाम पेश कर रहे ने। अस्सलाम अल कबूल है। वालेकुम अस्सलाम। वला कैफ अल हाल है? हां, किसको मिलने आए हैं? वला माहौल अल खूबसूरत है, वला मेहमान अल कामरान है। हां जी, कामरान अकमल जी माशा अल्लाह। क्रिकेटर अल पाकिस्तान, वला कुल अल दुनिया अल फेम है। हां जी। वला सही अल बैटिंग अल सही अल कीपिंग अल कैच अल वाफर अल मकदार, वला स्कोर अल वाफर अल मकदार। सही अल शख्सियत अल लाइक अल लाइक अल लाइक अल मोहब्बत अल खास, वला आमद अल दावत अल दुबई, वला कुल अल शारजा, वला खरवाक अल खास, वला अरब अल अमारात, वला जैतून अल तेल, वला सुकी मछियन, वला शहरत, वला नाम सही अल खुराक, वला जिस्म अल तिनगान पट्टन। क्रिकेट खेलना ना है, लड़ना ना है। पाकिस्तानी खुराक नाम अल सही अल आलू अल बतैया अल पिंडी अल तोरी अल लेस अल सब्जी अल चिकन अल ब्रैल अल नाम अल ताकत अल महसूस अल कुल अल पिन्नी अल गोडा अल पटा अल लक अल कमजोरी अल सही अल खुराक अल अरब अल मराता अल खमसतन अल सही। अहमद भाई जी सर, ताडे मतलब दा मेन्यू जे। क्या शेखा वाला नाल फिल्म स्टार भी बैठे नजर आओ, भी तारीफ हो जाए। वाला जादल अल खुशामद वाला हुस्न, वाला हुस्न अल खास है, वाला निर्मा अल आमद, वाह वाह, वाला पाकिस्तानी अल सॉन्ग, बल कांदा चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बत पाके मैं लुटी गई सोनिया वे, मैं लुटी गई। वाला बादल अल मशहूर अल सॉन्ग, वाला नहसन बट्टिया निर्मा, वाला अल फरमाइश, वाला दरकार अल सॉन्ग, वाला बादल अल मुद्दत, वाला अल चन्नर मेरे मखना, वाला माहौल अल कुल अल तब्दीला, वाला कामरान, वाला अल बच्चा, वाला अरबल अमारात अल मेहमान। मैं लगता दुबई हूं भाई। आपकी भरपूर तालियों में निर्मा। वाला निर्मा, वाला निर्मा, चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा के हस के एक पल इधर तकना के नजर रतना ना दा चकना, ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा के हस के एक पल इधर तकना के नजर रतना ना दा तकना, ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा। गुलाबी बुलिया में सदके ओ किते दिया लाल गुलाबी बुलिया में सदके हौली हौली ओ दिसदे दंद मोतिया वर्ग दिल दे जादूगरिया कर गए, ओ दिल दे जादूगरिया कर गए के मुश्किल हो गया साडा बचना, ओ चन मेरे, ओ चन मेरे, ओ चन मेरे मकड़ा के हस के एक पल इधर तकना के नजर रतना ना चकना, ओ चन मेरे मकड़ा, ओ चन मेरे मकड़ा, ओ चन मेरे मकड़ा, चन मेरे मकड़ा,
चन मेरे मकना, ओ चन मेरे मकना, ओ चन मेरे मकना, ओ चन मेरे मकना। बहुत अच्छा यार शेख उन्नू रहन दे ओदे तो वधिया ते तू कर लिया यार मैं अपने जमाने दी निर्माई है लो जी तुसी एंटरटेन करता यार शेख नु ते पैसे दी फिकर नहीं करनी ए बैग में पैसे है नहीं नहीं ते जते धोण वाले कपड़े ने वल नहमल अल जलालत अल दरकार अल पैसा अल कुल अल ब्रीफ केस वल अल वाफर अल मकदार वल नहमल अल ममूली अल रकूम है जे तू लंडे तू सारे पैसे सुट बैना मेनू लगदा ओ यार एक मिनट ठहर जाओ तुसी इथे माहौल ही पूरा बदल दित्ता है मतलब साडे मेन गेस्ट नु तुसी इधर डांस करवाता है आया बड़ा मजा है मगर मेरे कहने का मतलब है कि करने क्या आए हो असल च बट जी मैं तुहानू दसदा वां कि मैं अपने इन्वेस्टर नु लेके जनाब कामरान अकमल साहब नु मिलन आए हां किस चक्कर में गोल चक्कर में समझते नहीं असल च असी अपनी लीग शुरू कर रहे हां अच्छा भाई इस लीग का नाम क्या होगा ऊंट चैंपियन लीग नंबर 1 तो इसका मतलब है लोगो भी ऊंट होगा सिर्फ ऊंट नहीं ऊंट ते मूंछ जीरा समझा मेरा वीरा असल च बट साहब मैं इस टीम दा वां मैनेजर अच्छा साडी टीम दे विच फास्ट बॉलर भी है आए स्पिनर भी है ओए होए बैट्समैन भी है आहा असल च सानू कामरान भाई चाहिए ने एज ए कप्तान ते एज ए विकेट कीपर असल भाई जो लीग दा नाम है ना जी जी इन्ना नु सूट करेगा प्लेयर मोहम्मद इरफान है हां जी ओ क्यों ओ भी ऊंट जिन्ना ही लंबा है सानू कामरान भाई चाहिए ने साडी डील करा दियो टीम सारी मौजूद है तो मौजूद है किथे वाला कुल्लो लो प्लेयर वाला मौजूद है लाल आउटल साइड है टीम हाजिर हो लिया अस्सलाम वालेकुम आप जानते हैं अपने सईद अजमल को है? वो दोस्त सईद अजमल सईद अजमल हाँ वही वही वो दूसरा कराते हैं मैं तीसरा चौथा कराता हूँ परसों मैंने अब्बा का 40वां भी कराया बहुत बड़ा प्लेयर ये देखे ये खड़े खड़े 100 रन बना लेते हैं ये कौन है इसी पे दूसरा किया था ऐसी बात नहीं है कामरान ये 100 रन बनाता खड़े खड़े बगैर गेंद को बल्ला लगाए ऊपर से चली जाए हर गेंद नो बॉल मैच में अपना हमारा था ना वकार यूनुस साहब भोरे वाला एक्सप्रेस स्वयं अख्तर पिंडी एक्सप्रेस यह है काला शाह काकू एक्सप्रेस जिम्बाब्वे का प्लेयर था हमने हाईजेक कर लिया इसको और मैं हूँ बूम बूम तुम पता क्रिकेटर नहीं है जो तो मैच मुक जाता है सामान रखी ऐसी बात नहीं हम लोग बहुत मैं तो एक गेंद पे 700 रन बनाया 700 रन हाँ मैंने गेंद मारा बल्ले से गेंद गुम हो गई मैं रन बनाता रहा लोग अपने घर चले उसके बाद मैं बेहोश हुआ चौकीदार मेरे को घर छोड़ के आ गया मैंने 1500 रन बना लेता अपना हट जी नहीं पट जी वही चले वाला एक मिनट मैंने पहले आपको किसी टीम में नहीं देखा इंग्लिश समझते हैं जी उर्दू में बात करता हूँ दरअसल पता है क्या मेरे पे पाबंदी बहुत है मैं पाबंदी लग गई थी ना मैच फिक्सिंग की नहीं नहीं डेट फिक्सिंग की वजह से डेट फिक्सिंग हाँ इधर मैच शुरू होता था जब मैं डेट पे निकल जाता था असल में मेरा जाती किरदार भी मशकूक था और मेरा बॉलिंग एक्शन भी बहुत मशकूक था अच्छा हाँ लोग तो माशूक होते हैं ना मैं मशकूक रहा हूँ हमेशा से और मेरी इनके साथ बहुत लड़ाई चल रही है क्यों इनके घर में मेरा मशकूक था असल च ना बट की पूरे महल च इन्हों का किरदार बड़ा मशकूक है क्यों महलेदार सुते होंगे ने बैल बजा के दौड़ ला देना मिस बैल मारता हूं मिस बैल एक बार बैल नु हाथ लाया उन्होंने दिनों च बारिश हुई सी उस दिन हाथ ही लाया उस तो बाद उन्हें इंजी बोलता असल में बताएं क्या मैं इतना मशकूक हूँ मैं कांजी का शरबत भी पीऊँ ना तो उसका डोप टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ जाता है मेरा असल में जिंदगी के दो ही टेस्ट पॉजिटिव आए ने अच्छा हाँ जी एक डोप टेस्ट ते दूजा कोरोना टेस्ट और कैसा मुकद्दरा वाला 3 डोजा ला के भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं ये टीम क्रिकेट खेलेगी लेकिन मुकाम पानीपत का ही होगा एक मिनट कामी मुझे बताएं आप इस टीम के कैप्टन बनने के लिए तैयार हैं मेहनत करना मेरा काम एज ए कप्तान ये टीम के मैनेजर इतने अच्छे हैं ओनर इतने अच्छे हैं एंटरटेन अच्छा। भी करते हैं खाना भी इतना अच्छा खिलाते हैं बताते हैं सब कुछ तो टीम कैसे खुश नहीं होगी तो कैसे कप्तान नहीं बनेगा वेरी गुड मैं तो खेलता भी बहुत अच्छा हूँ 3 शर्तों पे क्या शर्तें बॉल नहीं करेगा कोई कैच आउट नहीं करेगा
और कोई मेरे को LBW भी नहीं करेगा, रन आउट कर लो, और रन आउट किसी का बाप नहीं कर सकता क्योंकि मैं रन लेते ही नहीं। बर्जी खेलता बहुत अच्छा है लेकिन क्रिकेट ग्राउंड नहीं खेलता, ढोल के हाल खेलता ना, आउट होता ना वास्ता। तो फिर आप दोनों को बुक करें ना भाई। मैं बताता हूँ, ये हमारे कैप्टन होंगे और ये हमारी सेलिब्रिटी होंगी, वो ग्राउंड पे होती है ना जरा वार्म अप करने के लिए खिलाड़ियों को, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। यस, असल च बट जी मैनू केबी भी चाहिदी है। क्या मतलब खेलेगी? नहीं नहीं नहीं, जिथे छक्का चौका वजेगा मरण वाली हो जाएगी। एंटरटेनमेंट पर नहीं, एक आध विकेट गायब हो जाए तो इसको लगा देंगे, क्या मसला है? निर्मा बैठेंगे तो पवेलियन में। अच्छा, जब भी कोई शॉट आके आने के वाला लोग देखे कहेंगे क्रिकेट रहने दो, इधर ही खाई जाओ। Come, everybody knows के you are one of the greatest players Pakistan has ever produced. लेकिन आपकी स्ट्रगल में आपके वालिद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। वालिद साहब की ख्वाहिश भी थी और मुझे आप ये सोच नहीं सकते कि ग्राउंड में लेके जाना आना ये हम लोगों के साथ, अगर वो ना होते तो शायद आज मैं आपके सामने भी ना होता और इतना इतनी क्रिकेट भी ना खेलता। इवन लाहौर से बाहर भी एक बाइक होती थी, स्कूटर होता था पहले, ब्लू कलर का होता था, वो हमें उस स्कूटर पे फैसलाबाद भी लेके गए हमें मैच का। तो वो उनकी मेहनत है, उनकी दुआएं हैं, तो आज अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, उनके बगैर कुछ नहीं है। इतने भाई साथ माशाल्लाह हम लोग भाई हैं, एक भाई हाँ जी और एक भाई है मुझसे जो बड़ा, ओवर टाइम लगा के वो उसने मुझे मेहनत करके पैसे दिए हैं, चीजें मैं लेके आया हूँ अपनी क्रिकेट की। बैट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, मोहल्ले से इकट्ठे करता था चीजें, ट्रायल देने गया हूँ। और इमरान खान साहब ने मेरे पहले ट्रायल लिए 95-96 में पेप्सी अंडर 15 के, तो उन्होंने अब्बू को बुला के कहा था कि इसको आप कंटिन्यू क्रिकेट जरूर खिलाना। वाह जी वाह। कामरान, अगर मैं पैड बांध के करीज में होता तो बॉलर लाख बाउंसर मारते, यॉर्कर मारते, लेकिन तुम मेरा कभी भी कैच ना पकड़ सकते। गेंद गिना गिन गेंद गिना गेंद गिना। निर्मा, जहां स्ट्रगल की बात हो रही है, हम सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में आपने भी बहुत स्ट्रगल की है। कैसी थी आपकी जर्नी? आसान थी या ओ बेबी को जूस लाओ? एग्जैक्टली, इट वाज अ डे इन द डिज्नीलैंड। डे इन द डिज्नीलैंड? या ओ डैम, आई नीड टू चेंज माय क्वेश्चन नाउ। इसका मतलब तुमने तो स्ट्रगल ही नहीं कोई की। No, actually, I think I'm blessed and I'm lucky. Yes, let's be honest. Struggle in a sense that I love my work. I definitely put my heart and soul into it. Main mehnat karti hu, apne kaam ke sath honest hu, obviously. And zahir jin directors ke sath main kaam karti, they were super people of the fraternity. Okay. So mujhe unke sath kaam karke seekhne ko bhi milta tha aur easy bhi ho jata tha mere liye. To kya ye baat durust hai ki aapko खलील रहमान कमर साहब की फिल्म से ब्रेक मिला? कर्ज इज बीन अ माइलस्टोन इन माय करियर, इन माय अर्ली यू नो टाइम ऑफ करियर, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट और ऑब्वियसली उस्मान पीरजादा डायरेक्टेड द मूवी, तो वो आपको पता है कि ही हिमसेल्फ इज एन एकेडमी एंड यू नो उनका काम डिफरेंट है। फिर खलील रहमान कमर जी का इट वाज अ फर्स्ट स्क्रिप्ट, और ये फर्स्ट स्क्रिप्ट के बाद ये एक्सेंट आया था कि उससे पहले ही था ये? मैं तो शुरू से ऐसी हूँ ना, शुरू आई एम ओरिजिनल ना, ऑब्वियसली। कभी किसी डॉक्टर से चेक करवाया? किस बारे में? ये एक्सेंट के बारे में। एक्सेंट तो बीइंग एक्टर मैं पंजाबी भी बोल लेती हूँ। बोल जरा, थोड़ी सी पंजाबी बोल। मेरी आज मेड मुझे जब मैं सुबह जागी मैंने उसको बोला था कि मुझे 12 बजे आपने ना जगा देना, मेरा 1 बजे मेकअप अपॉइंटमेंट है। पंजाबी में कहा? नहीं सुनो ना, मैंने उसको बोला था कि मेरा 1 बजे मेकअप अपॉइंटमेंट है, मुझे 12 बजे ना मेकअप कॉल देना। ओके। वो आई यूजुअली जिस तरह से वो आती है आई, उसने मुझे मेरे पाँव को दबाना शुरू किया, बाजी मेरा मेरा बंदा नंबर मांग रहे हैं। नहीं नहीं कोशिश की तो मैं सिरायकी तो नहीं हूँ, मैं लाइक ऑब्वियसली, तो मुझे मैंने कहा कोई बात नहीं और मर ना जा सके। लाइक यू नो बीइंग एक्टर यू कैन डेफिनेटली यू नो यस आई कैन डेफिनेटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट होसी के कैसी गल है होसी, इन्हें तो घर भी राती चोरी हुई सी, लागे लागे हुए सी, उड़ के सवेरे थाने जा कर रहे थे, एसी ओसी एसी। तो आदि रोज़ रात डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं
सुपर ओवर। टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक होस्टी। लेकिन ये बताएं टेस्ट कैप कहां से मिलेगी? आलम पनाह साहब ताड़ा जी डबड़ा डस्के रहे हैं तानू टेस्ट कैप नहीं दावड़ा मिलना चाहिए। Welcome back from the break. Khawateen Hazrat, aap dekh rahe hain Super Over. But ji, I'm not talking to you. Kyun? Kyunki aapne sirf Nirma ji ko jo hai cricket khilai hai aur main bhi bahut acche sixes hit kar sakti thi. Kehte main bhi chakka maar sakti hu. Aap bhi chakka maarti hain? Yes. Kaun sa? Ludo mein. Ludo mein maarti ho? Ye Ludo wala saap nahi dekha aapne? Kabhi mujhe bataye ki aapki ek badi nice boy wali image hai aur aap bade soft स्पोकन है, बड़े फ्रेंडली हैं, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो और इसकी गवाही तो आपके दो बेस्ट फ्रेंड भी दे सकते हैं, गौतम एंड इशांत। गौतम यानी जिसको गंभीर किया था आपने। बस हो गई थी, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाते। ट्विस्ट क्या था? ये ट्विस्ट क्या था? एशिया कप का मैच था, दम्बुल्ला में हो रहा था। अच्छा, 2009 में कॉर्ड भी एंड हुआ सईद अजमल ने, जैसे शकील भाई ने बताया वह दूसरा भी करते हैं, दूसरा ही करता था बस। कोर्ट भी एंड हुआ था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो अपील मैंने बड़ी जोर से की थी, तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा था, तो वो उस पर थोड़ा सा गर्म हो गया था, लेकिन वो टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने बताया ना कि बड़ा अच्छा लड़का है, लेकिन दूसरा जो आपने ईशांत का बताया वो बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। उसने दी थी गाली, बॉल मैं खेला हूँ, बीट हुआ, बैटिंग कर रहा था बेंगलुरु में, तो नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी, अहमदाबाद जा रहे थे हम लोग, इकट्ठे ऐसे बैठे हुए थे फ्रंट सीट पर ना, दोनों साइड विराट ईशान रैना हम लोग बैठे, तो विराट ने, आपको पता शुगर लगता है जब बैठते हैं, तो विराट ने पूछा ये हुआ क्या था कामी, क्यों इतना आप गर्म हो गए थे, लड़ाई हो गई आप दोनों की, पहले कभी नहीं हुई देखा। मैंने कहा इसने मुझे ये कहा, तो विराट ने कहा ईशान बता क्या कहा था, कहता तेरी ओ, समझ गए ना। फिर उन्हें क्या विराट ने सही पइया ने तेनों। लेकिन दोनों लड़के अच्छे हैं, नहीं सही बात है, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, ऊपर से फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो कैसे फिर स्मूथली मैच जा सके। आपकी फिल्म इंडस्ट्री में गर्मा गर्मी होती है और मूवीज के अंदर होता है, सेट के ऊपर, सेट पे एवरीबॉडी लव्स मी। क्या करे जब किसी को निर्मा से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों की उन्हें बल्ला ला के चुमा रहा मुझे लगता। निर्मा चल मेरे मखना पे, जब हमने आपकी परफॉर्मेंस देखी तो हम आपके दीवाने हो गए थे और अपने आप को जिंदान में कैद करके वालेहाना रक्स किया करते थे और आपको ही याद किया करते थे। आलम पनाह प्लीज रक्स पेश किया जाए। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, ते कौमी खदाने च बचिया कख ना किसे मसले ते तेरी अख ना। ओ चन मेरे मखना, ओ चन मेरे मखना, खाते बंद पए ने मिलांदे मैं सदके, ओ खाते बंद पए ने मिलांदे ते सानू लगे रोग बिलांदे, नौकरी दा एतबार ते कुछ नहीं, कारोबार नहीं ते कुछ नहीं, ओ कारोबार नहीं ते कुछ नहीं, ते इस महंगाई च कख ना बचिया। चन मखणा ओ चन मेरे मखणा, ओ चन मेरे मखणा, ते कौमी खदाने च बचिया कख ना किते मसले ते तेरी अख ना। ओ चन मेरे मखणा। हर आदमी का मिशन होता है, बादशाह का मिशन है दुनिया से अनाज खत्म कर दूं। आप कच्ची लस्सी पिए, आपको गर्मी हुई है। कभी मुझे ये बताएं कि बाबर आजम इज ऑन द राइज राइट नाउ, ही इज एवरीवेयर, आपको क्या लगता है कि उनकी कैप्टनसी के अंदर आप कैसा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं या उससे पहले आप बेहतर परफॉर्म कर रहे थे? देखिए टू अर्ली है, अहमद भाई अभी यंग है, अभी एक साल हुआ उसको कैप्टनसी
पाकिस्तान की करते हुए, अभी टाइम लगेगा। अब वो टीम नहीं है जो आज से 8-10 साल पहले होती थी, प्लेयर्स होते थे, 5-6 प्लेयर्स मैच विनर होते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, सिस्टम के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, फिर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने काफ़ी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज, मैं समझता हूँ डैमेज किया उन्होंने, जो सिस्टम चेंज किया, 6 टीमें लेके आए, डिपार्टमेंट रीजनल क्रिकेट शुरू करवाई। तो देखिए वो 6 टीमों का डैमेज मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, सिस्टम के साथ किया। कामी भाई कहने का मकसद है कि कप्तान के होंदे क्रिकेट टीम की बेहतरी तो नहीं आई, फरा गोगी के सासियां च बेहतरी आ गई। अच्छा विराट कोहली और बाबर आजम को कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए विराट कोहली की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, 70 प्लस उसके 100 है, बाबर के अभी तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 25-26 100 है, तो मैच करना टू अर्ली है। जब बाबर के उतने मैचेस हो जाएंगे, उतनी क्रिकेट खेल लेगा, फिर आप कर सकते हैं। एक अलग लेवल विराट कोहली का, नो डाउट। बाबर आजम इस वक्त हमारे पाकिस्तान का नंबर वन प्लेयर है, वर्ल्ड में टॉप 3 में प्लेयर्स है, तो अच्छा साइन है कि हमारे पास अभी एक चेहरा है जो वर्ल्ड क्रिकेट में अपना नाम बना रहा है और पाकिस्तान का नाम बना रहा है। लेकिन उसके साथ जो चलने वाले उसको जरूर फॉलो करें। निर्मा मुझे बात बताए, आपको क्रिकेट का शौक है या क्रिकेटर्स का? ऑब्वियसली क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर आपको T20 का शौक है, T50 का शौक है या T70 का? T20। I like fast game. फिल्म इंडस्ट्री में इतने गुड लुकिंग इंसान हैं, कोई आपके मन को नहीं भाया? सब अच्छे हैं, they're all very good, handsome. मेरे सारे हीरोज अच्छे हैं। तो आपको क्रिकेटर्स कोई पसंद है? कोई बता दे जिसने अन्नी फेर दी हो या जिदा हले तक भाभी नु नहीं पता चलिया जो दा दस। कोई नहीं जे कामरान, हम भी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन ये बताएं टेस्ट कैप कहां से मिलेगी? आलम पनाह साहब, ताड़ा जी डबड़ा सेरे हैं, तानू टेस्ट कैप नहीं दावड़ा मिलना चाहिए। गाइस आई वांट टू अनाउंस समथिंग, कामरान गलती से ना क्रिकेटर बन गए। माय गुडनेस, जिस तरह के इनके पंचेस आ रहे हैं कॉमेडी में, ही शैल बी ए कॉमेडियन। निर्मा हमारा भाई है, बिछड़ गया है। ये रिटायरमेंट के बाद की प्रैक्टिस हो रही है। ओह आई सी। अच्छा बट जी तुसी बाकी गल्ला छड्डो, देखो मशवरा किड्डा अच्छा दिता है। भाई तुसी भी बादशाह सलामत दाबड़ा पुट्ठा रखना, जो मैच मुक्के तो सीधा कर लेना, फिर बुए खड़का के कहना कूड़ा दियो मैं जाना भी। सिर ते दाबड़ा रखे होगा पूरा मल्ला हैरान होगा, पहली मजे अपना दाबड़ा आप चुके ले जा रही। एंजल साहब प्लीज मेरा बैटिंग नंबर चेंज ना कीजिएगा, वरना मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, मैनेजर साहब डेलियां दिंदे ने, बैटिंग ऑर्डर कप्तान करता है। असल च एदी वजह तो बहुत टेंशन हुंदी है। पिछली बारी भी इहनू मैं ओपनर भेजिया, सामने खिलाड़ी ने बॉल कराने तो पहले थोड़ी थोड़ी कणक सुटनी। मैनेजर साहब जी, मेरे गोडे च पानी भर गया, मैं आस्ट्रेलिया भेज दियो। लो शक्ल बिल बतौड़ी वर्गी ते बीमारियां शोएब अख्तर वाली। कामी जी, मैंने देखा है शोएब को सानिया के साथ टूर्स पे, तो क्या वो उनसे डरते हैं? मेरे ख्याल से डरता है तो दुबई रहता है। निर्मा, हमने आपकी फिल्म देखी थी निकाह, वो कर लिया है या हम उम्मीद जिंदा रखें? आलम पनाह, उसमें भी मैं एक स्टूडेंट हूँ स्कूल की, तो अभी तो मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, शादी का कोई इरादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। बादशाह सलामत उन्होंने यूनिवर्सिटी जाना रक्षा कार्ड छट गया। तो अधीरो सर, डोंट गो एनीवेयर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अच्छा लव स्टोरी 10 साल की उम्र में आपने कर ली की मूवी? हाँ, मैं मुझे खुद नहीं मालूम चलता, मैं अभी भी बच्ची लगती हूँ, मैं तब भी बड़ी लगती थी, और मैं पहली मूवी से हीरोइन आई।
दिनों के बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कब कहां कैसे। इस पे हम कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं, कुछ लम्हात दिखाते हैं और ये पूछते हैं कि कब कहां कैसे। तो आइए चल के पहली तस्वीर देखते हैं। ओ अहमद भाई, ये हमारा प्रोमो शूट हो रहा था एंथम जलमी का। हाँ हाँ, तो कट्ठे शूट हो रहा था तो वो पिक्चर्स है। I think Kami is looking really photogenic. Oh, first name basis. Kami कह रही है आपको। Hello, Kami, क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि Myra, of course, बहुत बड़ी स्टार है। आपकी एक्टिंग लिस्ट में वो कहाँ आती हैं? टॉप 10 में आती हैं या टॉप 5 में आती हैं? मेरे ख्याल से टॉप 3 में आती हैं, टॉप 5 में भी नहीं। ओए! लो जी, ये शो हुण भाभी वेखण ना वेखण, अल्लाह करे मायरा वेख लवे। आइए अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। He's the guy who's catching all the balls. Yes. Yeah. अच्छा, आप good catcher हो। अहमद भाई। ये और बालों वाला catcher है। शायद आफ्रिदी has got this habit of picking up wickets and he picks up one with his first delivery of his. तो ये जो balls catch कर रहे हैं वो ये हैं। नहीं नहीं नहीं, आलमपना। वाह वाह वाह, ये बात सुनके तो मुझे वो वाकया याद आ गया जब डॉक्टर कदीर और साहिबा बैठी हुई थी और उन्होंने पूछा था कि आप इनको जानते हैं, तो साहिबा ने कहा था Well, I know Kamran. I didn't say that. मगर you think he's a ball catcher? ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है कामी के करियर का. One of the finest wicket keepers of the world. और हमें फखर है कि वो हमारी टीम से बिलोंग करते हैं. वाह. पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं. आगे बढ़ते हैं जी. Wow. Very, very nice bunny bears. और बिल्कुल आपकी शक्ल के bunny bears लग रहे हैं. कामी, यहाँ आप कितनी उम्र के थे? मैं उस वक्त मेरे ख्याल से 12-13 साल का होगा। मैं इस वक्त यहाँ पर 10 साल की हूँ। I'm 10 year old here, okay? आप 10 साल की थी यहाँ? तो ये इतने ज़्यादा खरगोश क्यों पाले हुए थे? Actually, मेरे फिल्म का प्रीमियर था और I was there for the concert. एक मिनट, आपकी फिल्म का प्रीमियर था और आप 12 साल की थी? बट जी, ये 10 साल की थी, जो पीछे जो खरगोश है वो 40 साल का था। अच्छा, उसकी आंखों से लग रहा है क्योंकि वो खरगोश नसीम विकी जी है। आपकी फिल्म का प्रीमियर था? प्रीमियर था अनदर लव स्टोरी। अच्छा, लव स्टोरी 10 साल की उम्र में आपने कर ली। हाँ, मैं मुझे खुद नहीं मालूम चलता, मैं अभी भी बच्ची लगती हूँ, मैं तब भी बड़ी लगती थी और मैं पहली मूवी से हीरोइन आई। मेरे भाई ने पूछा कि आप जब छोटी थी तो आपने चाइल्ड स्टार का रोल क्यों नहीं किया, आपने हीरोइन का रोल क्यों किया? मैंने कहा क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट, अगर वैक्सीन टाइम पे नहीं लगाएंगे तो यही होगा जी। अब मुझे तुम्हारे बेमिसाल होस्ट के नाम मुझे मैदान के ये एहसासा, अजब तेरी है ए महबूब सूरत, नजर से गिर गए सब खूबसूरत। अगर आपके खरगोश ये घूम जाएं तो बादशाह सलामत को आप अपने मेरे खरगोश नहीं घूम होते बनी, एक तो आप हो ना। ओहो, दूजे खरगोश ते घा खांदे ने, खरगोश झाड़ा खांदा है। इज द स्वीटेस्ट एंड द क्यूटेस्ट बनी। ओहो, बनी या बट? बनी बाट, बनी खरगोश। ओहो, बनी बाट। एक बाट की उन्नति ते खरगोशां नाल तस्वीर वायरल होई है, मेरी भी एक लगड़ बगड़ नाल बना दियो यार। इन कॉमेडियंस से ना तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी भागते होंगे, है ना? I love you, Nirmal. Love you. They could say anything to anyone. हाँ जी, बिल्कुल। जेड़ा कह रहे आई लव यू, इनू कॉमेडी ना समझना। मेरे तर्जमाना, इनू मेरा आपा ही समझना इस काम च। कभी मुझे ये बताए कि जब क्रिकेट नहीं हो रही होती और ये कमेंट्री वगैरह ये सारी चीजें दूर होती है तो रिलैक्स कैसे करते हैं? फुर्सत मिले बुला लिया कर। रिलैक्स, आपको पता है कि ऑफ सीजन में फैमिली के साथ वेकेशन पे चले जाते हैं। पाकिस्तान में या बाहर? बाहर। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? वैसे तो कैरिबियन, आपको पता है कि वहाँ पे टूर भी हुआ, जो आपने कैचेस दिखाए, जो पहला मैंने कैच दिखाया आपने, वो कैरिबियन बहुत जबरदस्त, बीचेस बड़े जबरदस्त था, मजा आता वहाँ पे, बच्चे भी एंजॉय करते हैं और हम भी एंजॉय करते हैं। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? लॉस एंजेलिस। अरे वाह,
वहां जाके आप क्या करती हैं? वेट लॉस। सो कामी जी, आउट ऑफ ऑल द विकेट कीपर्स, हु इज योर आइडियल? मेरे आइडियल जब मैंने विकेट कीपिंग शुरू की राशिद भाई थे, उनकी तरफ देखे, उनके साथ मैंने टूर भी किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मोइन भाई और राशिद भाई उस वक्त आते जाते रहते थे, एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते थे, वो मेरे लिए मेरे ख्याल से दोनों मेरे आइडियल हैं और काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा भी है। निर्मल जी, जो आपको एक बात यूनिक करती है बाकी एक्ट्रेसेस से, वो है आपका डांस। वो आपने कहाँ से सीखा? ये गुलबर्ग में ना एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से सीखा। सीखना तो उनका ठुमका लींदा एक इंजेक्शन ला देते। हाँ जी, वैसे डांस कहाँ से सीखा? वेल एक्चुअली इनके सवाल को मैं थोड़ा एप्रोप्रिएट करेक्ट और करेक्ट करना चाहूंगी। इट इज नॉट एप्रोप्रिएट टू से कि मुझे जो चीज डिफरेंट रखती है मेरी बाकी एक्ट्रेसेस से, वो डांस है। बिकॉज डांस सभी बहुत अच्छा करते हैं। From Reema to Myra Khan, they're all good dancers. Okay. I think they believe I'm from head to toe blessed, gifted, and proper artist created material. You know, I'm not someone, you know. अच्छा यार शेख, डांस दी गल हो रही है, मैंनू दसो बादशाह सलामत ने डांस कित्थों सीखा है? बादशाह सलामत ने एक परले दर्जे के घराने में आँख खोली। अच्छा, तो वहाँ पर गुरबत नाच रही थी। हैं? ये भी नाल ही शुरू हो गए। ते गुरबत इन्हां दी खाला दा नाम सी। ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੱਦੇ ਅਦਬ। ਖਵਾਤੀਨ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਾਮਰਾਨ ਅਕਮਲ, ਨਿਰਮਾ।